हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपको बताऊंगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के बारे में, जिसको आरओसीई भी कहा जाता है, यानी इसकी एब्रीवेशन है आरओसीई। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये जो रेशियो है ये एक प्रोपोर्शन बताता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाई द कंपनी, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है उसका उसके दरमियान और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय दी कंपनी के दरमियान जो एक प्रोपोर्शन है उसका रेशियो ये बताता है। अब इसको इसलिए भी कैलकुलेट किया जाता है कि जो रिटर्न रेट ऑफ प्रॉफिट है जो मेंबर्स को दिया जा रहा है, यानी शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है, वो हायर होना चाहिए करंट मार्केट रेट से। करंट मार्केट रेट से ज़्यादा होना चाहिए रिटर्न रेट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि अगर करंट मार्केट रेट से कम होगा रिटर्न रेट ऑफ प्रॉफिट जो मेंबर्स को मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेंबर्स जो है वो अपना पैसा निकाल लेंगे और वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट करंट मार्केट रेट ज़्यादा है। तो इसीलिए रिटर्न रेट ऑफ प्रॉफिट को ज़्यादा होना चाहिए करंट मार्केट रेट के मुकाबले में। अब जो इसका फार्मूला है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आरओसीई इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर अप्रोप्रिएशन। इसको ऊपर रखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो यानी ये रेशियो इस बात को बताता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो हुआ है, जो लगाया गया कैपिटल, उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चल सके कि उनको कितना मिल रहा है रिटर्न, और वो जो रिटर्न रेट ऑफ प्रॉफिट है वो ज़्यादा है करंट मार्केट रेट से या नहीं है। तो ये थी आपके सामने कुछ डिटेल और फार्मूला। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। इस तरह की दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।